Good morning, everybody. Good morning, sir. Still here. Good morning, sir. Okay. Good morning. यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि भारत में तालीमी निजाम किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ, वैदिक दौर में तालीम के क्या खसूसियात थे, बुद्धिस्ट दौर में तालीम के क्या खसूसियात थे, बुद्धिस्ट दौर और वैदिक दौर को समझने के लिए हमने बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी देखी और वैदिक दौर को समझने के लिए हमने हिंदू फिलॉसफी भी देखी। अब जिस दौर को आज हम सीखने वाले हैं उस दौर को मिडिवल पीरियड या मुगलों का दौर या मुस्लिम एजुकेशन पीरियड भी कहा जाता है। वैदिक दौर किस तरह से खत्म हुआ वो हमने देखा, किस तरह से एक नया मजहब, किस तरह से एक नई आइडियोलॉजी, किस तरह से एक नई फिलॉसफी जिसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहा गया है उसका आगाज हुआ, ये हमने देखा। अब जैसा जैसा वक्त गुजरता गया ये एक तवील अरसे तक ये दोनों फिलॉसफी के मानने वाले, ये दोनों आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग यहाँ पे बसते रहे, डेवलपमेंट्स होता रहा, तालीमी निजाम डेवलप होता रहा। हमें अपने कोर्स के एतबार से ज्यादातर इन तीनों भी दौर के तालीमी निजाम पर ज्यादा फोकस करना है। हमने ये देखा था कि वैदिक दौर में शुरुआत में बिल्कुल जंगलों में तालीम दी जाती थी, गुरुकुल में तालीम दी जाती थी। उसके बाद हमने देखा कि बुद्ध विहार सेंटर्स बने तालीम के, तो बुद्ध विहार जब सेंटर बने तो गुरुकुल खत्म हो गए ऐसा नहीं हुआ। गुरुकुल में भी पैरेलल साइमल्टेनियसली तालीमी निजाम जारी था, बुद्ध विहार में भी जारी था। यहाँ के लोगों को आजादी थी, वो जिस फिलॉसफी को मानना चाहे वो मान सकते थे, जिस आइडियोलॉजी को मानना चाहे वो मान सकते थे। जो लोग इक्वालिटी या गौतम बुद्ध की फिलॉसफी से इम्प्रेस थे उन लोगों को आजादी थी, वो जो चाहे जिस तरह से चाहे अपने मजहब को फॉलो कर सकते थे। अब जैसा जैसा ये बुद्धिस्ट दौर का आगाज हुआ, इसके फॉलोअर्स बढ़ते गए, इसके डिसिपल्स बढ़ते गए, ये न सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इस मजहब की तबलीग हुई, इस मजहब के मानने वाले इस आइडियोलॉजी को से इम्प्रेस होके इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, तो दूसरे मुल्क के लोग भी इस जानिब अट्रैक्ट हुए, इस जानिब हिंदुस्तान की तरफ रागिब हुए। फिर जो दौर यहाँ पे आया वो दौर किंगडम्स का दौर था, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि किस तरह से किंगडम्स का या स्टेट का तालीमी निजाम पे कंट्रोल हुआ करता था, या वो उस कंट्रोल से महफूज थे या उस कंट्रोल से तालीमी निजाम उस कंट्रोल से दूर था, ये चीजें भी हमने देखी। अब किस तरह से मुगलों का यहाँ पे हिंदुस्तान में वो लोग आए, किस तरह से उन्होंने यहाँ पे कई हजार साल हुकूमत की, वो हम लोग देखने वाले हैं। इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीबॉडी? यस सर। वेरी गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मिडिवल एजुकेशन। देखिए, वैदिक दौर देखा हमने, उसके बाद इंडस सिविलाइजेशन। अब बहुत ज्यादा तारीख में डिटेल में हमें जाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें आपको सीखना जरूरी है वो चीजें हम लोग कवर करेंगे। अब 563 बीसी से 400 बीसी के दरमियान बुद्धिज्म के साथ साथ जैनिज्म भी ने भी यहाँ पे पनपना शुरू किया। जैनिज्म के भी फॉलोअर्स यहाँ हिंदुस्तान में पाए जाने लगे। फिर उसके बाद का जो पीरियड था वो गोल्डन एज कहा गया है, उससे मौर्य डायनेस्टी,
जो लोग आर्ट्स से रिलेटेड है वो लोगों को इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा, और बाकी स्टूडेंट्स से भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप आर्ट्स से नहीं है तो एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ द गोल्डन हिस्ट्री ऑफ आर कंट्री, किस तरह से मुख्तलिफ डायनेस्टीज ने यहाँ पे राज किया, किस तरह गुप्ता डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी है, किस तरह से उन लोगों ने यहाँ पे हुकूमत की, और ऐसी हुकूमत की कि पूरे दुनिया में उसे मिसाली हुकूमत कहा गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मुगलों से पहले जो लोग आए, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद गौरी है, तो उन लोगों ने, कई हुक्मरानों ने यहाँ पे हमले किए, कई हुक्मरानों ने यहाँ अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश की, वो तमाम पीरियड में कई जंग हुई, इख्तदार की जंग थी, हुकूमत के लिए जंग थी, अपनी बॉर्डर्स को एक्सटेंड करने की जंग थी, तो ये सारी चीजें तारीख का हिस्सा है और आप लोग वो सारी चीजें इन डिटेल पढ़िए, इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर अ पीरियड दैट हैज कम टू बी सो स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द इस्लामिक इन्फ्लुएंस रूल इन इंडिया। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री वेंट फॉर ऑलमोस्ट 3 whole centuries under so-called indigenous rulers that included the Chalukyas, the Palwas, Pandyas, Rashtrakutas, and Muslim rulers, and finally the Mughals. यानि कि मुगलों के यहाँ आने से पहले बुद्धिस्ट दौर में या बुद्धिस्ट दौर के बाद, इस दौर में वैसे कई यूनिवर्सिटीज भी कायम की गई, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी कि हायर एजुकेशन को भी बुद्धिस्ट दौर में अहमियत दी गई थी, यूनिवर्सिटीज कायम किए गए, लोगों को आला से आला तालीम मुहैया करवाई गई, उस तरह की फैसिलिटीज देने दी जाने लगी, और ये तमाम चीजें इन हुक्मरानों या इन डायनेस्टीज के अंडर में हुई, जो कि चालुक्याज है, पालवाज है, पांड्याज है, राष्ट्रकुटाज है, और जिन मुस्लिम रूलर्स का मैंने जिक्र किया था, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद गौरी है, और उसके बाद फिर मुगलों ने हिंदुस्तान को आबाद किया। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट होल ऑफ द इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ। ही फॉट मेनी बैटल्स, कॉन्क्वर्ड गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा एंड डेक्कन। ये एक प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था मुल्क, यहाँ के राजा अलग, वहां के राजा अलग, ये रजवाड़े अलग, यहाँ के सुल्तान अलग, यहाँ के वो अलग, तो इन्होंने इसे यूनाइट करने की कोशिश की, एक एक जगह लाने की कोशिश की, मतलब कि एक अंडर वन रूल। देन मुगलों का की जो हुकूमत है उसे दिल्ली सल्तनत भी कहा गया है तारीख में। यहाँ पे मैंने कोशिश की कि डायनेस्टीज को आप लोगों की सहूलत के लिए कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक किन की हुकूमत रही यहाँ पे, मामलुक डायनेस्टी कब तक थी, खिलजी डायनेस्टी कब तक थी, तुगलक की डायनेस्टी कब तक थी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी थी, और फिर मुगलों का की किस तरह से यहाँ पे हुकूमत हुई, और वो दौर किस तरह से तामीरात का दौर कहा गया है, वो दौर किस तरह से डेवलपमेंट का दौर कहा गया है, वो दौर किस तरह से तरक्की का दौर कहा गया है, वो हम आगे देखेंगे। बेसिकली देखिए, जहां तक अब हमें जो दौर की स्टडी करना है, हमें जिस दौर के तालीम के बारे में सीखना है, वो दौर मिडिवल पीरियड कहा गया है। अब नाउ मिडिवल पीरियड में चाहे आप मुस्लिम रूलर्स की बात करो, चाहे आप मुगलों की बात करो, दोस पीपल वे बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट, अ पर्टिकुलर रिलीजन, दोस वे द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। लाइक प्रीवियसली वी हैव सीन इन वैदिक पीरियड Hindu philosophy, in Buddhist period we have discussed on Buddhist philosophy, the same way we are going to discuss on
what exactly is the philosophy of Islam? And as far as you people are related, I think 80% of students, they belong to the same religion. So, I mean to say, you people are quite aware of the philosophy of Islam, about the ideology of Islam. लेकिन जो लोग इस फिलॉसफी या आइडियोलॉजी से आगाह नहीं है, मैं उन लोगों के लिए ये बताना चाहूं कि दिस पर्टिकुलर रिलीजन या दिस पर्टिकुलर इस मजहब का मानना है कि देयर इज अ क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स हु इज अल्लाह. अल्लाह ने इस तमाम कायनात, ये दुनिया, ये जितनी चीजें हैं, द होल थिंग इज क्रिएटेड बाय अल्लाह एंड ही इज द ओनली थिंग विच इज टू बी वर्शिप्ड. सिवाय अल्लाह के किसी की ना इबादत करनी चाहिए, ना परस्तिश करनी चाहिए, ना पूजा करनी चाहिए, ना किसी और को प्लीज करना चाहिए. यू हैव टू ओनली प्लीज द क्रिएटर. And the only creator is Allah. And ये आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, it is called as कलमाए तैयबा. It is ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. उसका मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कि सिवाय अल्लाह के किसी को भी आपको न पूजना है, न परस्तिश करनी है, न खुश करना है. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल है, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. अल्लाह हैज सेंड हिज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, मैसेज ऑफ हाउ टू लिव द लाइफ, मैसेज ऑफ व्हाई यू हैव बीन सेंड इन दिस वर्ल्ड इज सेंड बाय हिज प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम. And the Prophet's name is Muhammad. Is it clear? This is the meaning of the kalma, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And the whole ideology, the whole philosophy of Islam is based on this kalma. And it is, there is none worthy of worship except Allah, and Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. This is the simple philosophy of Islam. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There are five pillars of Islam. Islam mazhab ke paanch sutoon hai ya paanch pillars hai जिस पे ये पूरा दीन, ये पूरा मजहब टिका हुआ है. दैट इज द फर्स्ट इज शहादत, दैट इज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, टू बिलीव इन नो गॉड बट अल्लाह एंड दैट द मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज हिज प्रॉफिट एंड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. सबसे पहला है आपको इस बात की शहादत देनी है, इस बात को एक्सेप्ट करना है कि दिस इज द ओनली अल्टीमेट ट्रूथ, दैट इज शहादत. द नेक्स्ट इज सलाह और प्रेयर, या जिसे आप नमाज कहते हैं, दिन में से 5 बार पढ़नी होती है. एक फजर की नमाज है, एक जोहर की नमाज है, सुबह सूरज के निकलने से पहले जो नमाज होती है उसे फजर की नमाज कहते हैं, दोपहर में जो नमाज होती है उसे जोहर की नमाज कहते हैं, देन लेट आफ्टरनून द प्रेयर दैट इज कॉल्ड एज असर की नमाज, आफ्टर सनसेट इज मगरिब एंड इशा इज एट नाइट टाइम. सो इट इज अ कंपल्सरी एक्टिविटी विच एवरी मुस्लिम मैन वुमेन चाइल्ड, कोई भी हो, 7 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए इट इज कंपल्सरी टू परफॉर्म नमाज. सो नमाज और सलाह इज द सेकेंड पिलर ऑफ इस्लाम. द थर्ड पिलर इज सौम, और जिसे आप
रोजा कहते हैं जो कि रमजान के महीने में, यू ऑल आर अवेयर व्हाट एग्जैक्टली इज रोजा, टू गिव अप द फूड एंड ड्रिंक ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स इन द मंथ ऑफ रमजान। रमजान के महीने में इन तमाम चीजों को दिन के वक्त आपका न सिर्फ खाने का रोजा होता है, न सिर्फ आप अनाज या पानी से रोक खाने या पीने से आपको रोका गया है, लेकिन आपको जब हाथों का रोजा है, आपकी आंखों का रोजा है, आपको यानी कि आपको बुरे काम नहीं करने हैं, आपको बुरी चीजें नहीं देखनी है, आपको किसी के साथ बुरा रवैया आपने इख्तियार नहीं करना चाहिए। सो इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ गुड डीड्स थ्रू आउट द ईयर। दिस वन पर्टिकुलर मंथ इज योर ट्रेनिंग पीरियड। ये एक महीने में आपको अच्छी एक्टिविटीज, अच्छे गुड डीड्स, अच्छे काम करके आपको बाकी के जो 11 महीने हैं वो किस तरह से आप अपनी जिंदगी सही रास्ते पर गुजार सकते हैं वो सिखाने की या वो आपको ट्रेनिंग देने की एक कोशिश है रोजे के जरिए। आप में आपकी लाइफ में किस तरह से डिसिप्लिन आ सकता है, आपकी जिंदगी में किस तरह एक प्रॉपर तरीका जिंदगी गुजारने का आ सकता है वो इस महीने में फास्ट के जरिए, नमाजों के जरिए आपको तालीम दी गई है, आपको सिखाया गया है। देन इस जकात और जका, दैट इज यू हैव टू गिव चैरिटी ऑफ योर थिंग्स, ऑफ योर बिलोंगिंगनेस, ऑफ योर प्रॉपर्टी, ऑफ योर वेल्थ, यानी कि 2.5% आपका जो भी इनकम है, आपकी जो भी सेविंग्स है, आपके जो भी एसेट्स है, वो एसेट्स का 2.5% 2.5% यू हैव टू गिव टू द पुअर एंड द नीडी, टू गिव अ शेयर ऑफ पर्सनल वेल्थ टू हेल्प पीपल इन नीड ऑफ सपोर्ट। यानी कि आप किसी को बीमार को मदद कर सकते हैं, आप किसी परेशान हाल की मदद कर सकते हैं, आप किसी आपके खुद के वेल्थ में से, आपकी प्रॉपर्टी में से, यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल, यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच वेल्थ यू हैव एंड आउट ऑफ दैट वेल्थ यू हैव टू गिव इन चैरिटी 2.5% ऑफ योर वेल्थ। फिर चाहे आप उसकी शुरुआत आपको किस तरह से अपने करीब जो आपके रिश्तेदार है उनकी मदद करना है, जो आपके दोस्त अहबाब है उनकी मदद करना है, जो आपके पड़ोसी है उनकी मदद करना है, ये सारी चीजें आपको इस्लाम में बताई गई है। एंड द लास्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज हज, टू परफॉर्म अ पिलग्रिमेज टू मक्का एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। यानी कि इसमें भी इट इज अ पिलर, बट हियर ऑल्सो देर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी गिवन इन इस्लाम दैट इफ यू कैन एफोर्ड इन योर लाइफ, अगर आपके पास इतनी इस्तेतात है, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप ये बाकी के तमाम चीजें कंप्लीट करके, अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल करके, अपने हर काम पूरे करके, अगर आपके पास इतना पैसा रहता है, इतनी गुंजाइश रहती है, तो आप हर किसी को अपनी जिंदगी में एक बार हज को जाना कंपलसरी है। सो दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ बिकॉज यू मैक्सिमम ऑफ यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। We'll come back to main topic. Just like आपको philosophy क्या है, Islamic philosophy क्या है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि आपको उस दौर के तालीमी निज़ाम को देखना है, उस दौर में किस तरह से तालीम को आम किया गया है वो देखना है। This is जो period हमको देखना है, that is the medieval period, and that period was ruled by Mughals. Babur was the first Mughal emperor, was the first Mughal ruler. Aur daure hukumat Babur ki 1526 se 1530 hai. The second ruler is Humayun. After Humayun, Akbar took the charge. Akbar ke baad Jahangir, Jahangir ke baad Shah Jahan, aur Shah Jahan ke baad Aurangzeb.
you can see this slide in detail when I'll share you in the your course material section. I think you all are aware of this sequence also. Babar hai, Humayun hai, Akbar hai, Jahangir hai, Shah Jahan hai aur Aurangzeb hai. Kis tarah se 1520 se to 1707 tak Mughalon ne yahan pe hukumat ki. Mughalon ke matlab Aurangzeb ke baad bhi Bahadur Shah Zafar tak aapko ye sari cheeze aapke syllabus mein hai ke wo pure period mein medieval period mein kis tarah se इंडिया में तालीमी निजाम या एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है. एनी डाउट टिल हियर? नो सर. नो सर. वेरी गुड. नो सर. वेरी गुड. एज आई हैव प्रीवियसली आई हैव टोल्ड यू दैट दिस पीरियड इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, तामीर का दौर कहा गया है, तरक्की का दौर कहा गया है. जितने भी आप ये कुछ दीज आर सम एग्जाम्पल्स, बहुत कम एक मैंने कोशिश की है यहाँ पे आपको बताने के लिए कि उस दौर में, मिडिवल दौर में किन चीजों की तामीरात की गई, किस तरह से डेवलपमेंट किया गया ईरान से, तुर्की से, अफगानिस्तान से, दूसरे कंट्रीज से, आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट्स, कार्विंग करने वाले, पेंटिंग करने वाले लोगों को अपने काफिलों के साथ मुगल सल्तनत शहनशाहों ने यहाँ लाया और यहाँ के जो चीजें थी उसको डेवलप करने की कोशिश की. और यहाँ पे एक स्मूथ फंक्शनिंग किस तरह से की जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जा सकता है, सारी चीजों को, तमाम चीजों को सेंट्रलाइज किस तरह से किया जा सकता है, तमाम तालीमी निजाम के अलावा भी पूरे मुल्क को किस तरह से चलाया जाना चाहिए, वो मुगलों ने यहाँ आके इम्प्लीमेंट किया और यहाँ के लोगों को साथ लेकर चले. यस, वेलकम टू द मेन टॉपिक दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन मिडिवल पीरियड. I'm trying to wind up this particular section in today's class itself, क्योंकि I have to complete the whole portion. इसके बाद अगर हमारे पास वक्त बचता है, and if you people think that some points should be discussed, then we'll discuss on those points also. ठीक है? जी सर. Yes sir. जी. अब देखिए main characteristics या अहदेवस्ता में तालीम की खसूसियात, इसे आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन क्या थी. अभी तक हमने ये देखा कि देर वॉज नो स्टेट कंट्रोल. वैदिक दौर में भी ना राजाओं का, महाराजा का, किंग्स का, रूलर्स का, न तो बुद्धिस्ट दौर में कोई अमल दखल हुआ करता था, न तो बुद्धिस्ट दौर में कोई अमल दखल हुआ करता था. लेकिन मिडिवल पीरियड में पैटर्नेज था, दखल, अमल दखल नहीं था, लेकिन पूरी पूरी तरह से सरपरस्ती हासिल थी. मुगलों का ये मानना था या उनके उनकी ये सोच थी कि अगर ये तमाम मदारिस, ये तमाम एजुकेशनल सेंटर्स हम अपनी किफालत में चलाएं, हम अपनी सरपरस्ती में चलाएं, तो इनके पास, इनके जिन चीजों के लिए ये परेशान होते हैं, फंड रेजिंग के लिए, खाने के इंतजाम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो दीज पीपल आर वेस्टिंग देयर ओन टाइम. इनका क्वालिटी टाइम सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करने में ही जाना चाहिए. इसलिए तमाम सहूलतें आपको सरकार की जानिब से दी जाने वाली है, हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली. यू वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, जाओ यहाँ पे तामीर कर लो, यहाँ पे बेहतरीन आलीशान इमारत बना लो और यहाँ आपका मदरसा शुरू करो, मकतब स्टार्ट करो. व्हाट इज योर अनदर नीड? सैलरीज. जितने भी टीचर्स वहां पे रहेंगे, जितने भी केयर टेकर्स वहां पे रहेंगे, जो लोग इल्म को आम करने के लिए काम करने वाले हैं, सैलरीज विल बी गिवन बाय एम्परर्स और द रूलर्स और द मुगल्स.
मतलब के आपको ना भीख मांगने की जरूरत है, आपको ना लोगों के पास जाने की जरूरत है। मेन देखिए, अल्टीमेट एम ऑफ इस्लाम इज ऑल्सो सेल्फ रियलाइजेशन, इट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इट इज सल्वेशन। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ इन इस्लाम। इस्लाम में ये मानना है कि आपको इस दुनिया में, इस धरती पर एक ही बार के लिए भेजा गया है, एंड यू हैव टू गुड परफॉर्म गुड डीड्स इन दिस वर्ल्ड। इफ यू वॉक ऑन द राइट पाथ, जिसे सिराते मुस्तकीम कहा गया है, अगर आप सच्चे रास्ते पर चलोगे, सिराते मुस्तकीम पर चलोगे, तो ही आप जन्नत में दाखिल होगे। इट इज सेड दैट दिस वर्ल्ड इज अ टेम्पररी वर्ल्ड फॉर यू, और इसके बाद की जिंदगी वो दायमी जिंदगी है, वो परमानेंट लाइफ है। अगर परमानेंट लाइफ में आपको अच्छे से रहना है, अगर आपको परमानेंट लाइफ, ये जिंदगी आपको उस जिंदगी में सुखचैन से और सुकून से रहने के लिए दी गई है। इट इज अ ट्रेनिंग फेज, आप यहां आके अपने आप को तैयार कर रहे हो परमानेंट लाइफ में जाने के लिए। आपको यहां से शिफ्ट किया जाएगा, मुंतकिल किया जाएगा एक ऐसी दुनिया में जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली, जहां आपको जो होली बुक है इस्लाम की, दैट इज द होली कुरान, इन कुरान इट इज क्लियरली मेंशन्ड व्हाट इज पैराडाइज, व्हाट इज हेल, जन्नत किसे कहते हैं, दोजख किसे कहते हैं, अच्छे काम करने से आपको जन्नत मिलने वाली है, जन्नत के डिस्क्रिप्शंस है वहां पे, कि वहां पे दूध की नहरें बहेगी, शहद की नहरें बहने वाली है, वहां पे ऐसे ऐसे फल रहोंगे, इस तरह की आपको जो चीज की आप ख्वाहिश करेंगे वो चीज आपके सामने हाजिर हो जाएगी। हर तरह के आपको, यू जस्ट हैव टू प्लीज योर गॉड इन दिस वर्ल्ड। आपको इस दुनिया में अल्लाह ने, क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड ने अगर भेजा है तो महज उसकी इबादत के लिए भेजा है, और उसकी इबादत का उसने तरीका बता दिया है, 5 टाइम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सदका दो, जकात दो, हज को जाओ, अपने वालदेन का एहतराम करो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों से मोहब्बत से, शफकत से पेश आओ, दूसरों से किस तरह से बिहेव करो, किस तरह से रवैया रखो, अपने मामलात अच्छे रखो, किसी को धोखा मत दो, अपने लहजे पर काबू रखो, किसी से भी बात करो तो मोहब्बत से बात करो, किसी को जलील मत करो, किसी की इंसल्ट मत करो। ये तमाम चीजों पर अगर एक इंसान चलता है तो नो डाउट आफ्टर हिज डेथ ही विल बी सेंट टू पैराडाइज। अगर इन सही रास्ते पर वो चलता है तो उसे इस दुनिया में भी जन्नत है और आखिरत में नो डाउट उसे जन्नत ही मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें इस्लामिक फिलोसॉफी में बताई गई है। तो रूलर्स का या एम्परर्स का ये मानना था कि इफ द अल्टीमेट एम इज दिस, इफ यू वांट टू अचीव दैट थिंग, यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग डिफरेंट थिंग्स। सारी चीजों का टेंशन आप हम पे छोड़ दो, आप सिर्फ तालीम हासिल करो, तालीम को आम करो, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टेकन बाय गवर्नमेंट। इट वॉज पैट्रनेज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरपरस्ती हुकूमत की थी, हुकूमत का अमल दखल नहीं था। हुकूमत ये नहीं कहती थी कि आपको ये पढ़ाना है, जिस तरह की आज की जो गवर्नमेंट है, वट एवर गवर्नमेंट डिसाइड्स, दोज थिंग्स आर इंसर्टेड इन द टेक्स्ट बुक्स ऑफ बाल भारती, यानी कि करिकुलम पे उनका कोई अमल दखल नहीं था, सिलेबस में कोई अमल दखल नहीं था, क्या चीजें पढ़ानी चाहिए क्या चीजें नहीं पढ़ानी चाहिए उसमें अमल दखल नहीं था, लेकिन तमाम जिम्मेदारियां, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्परर्स के जरिए ली गई थी। देन इट वॉज रिलीजन डोमिनेटेड एजुकेशन। अब जाहिर सी बात है कि जहां पे कुरान की तालीमात दी जा रही है, हदीस की तालीमात दी जा रही है, एक पर्टिकुलर मजहब की तालीम दी जा रही है, तो इट वॉज नो डाउट अ रिलीजन
religion dominated education, then countryside as the center of education. कंट्रीसाइड इस तरह से है कि जिस तरह से हमने देखा कि मुगलों ने सेंट्रलाइज करने की कोशिश की है, यूनाइट करने की कोशिश की है प्रिंसली स्टेट्स को, अलग अलग प्रोविंसेस को, अलग अलग मुल्क के अलग अलग टुकड़ों को, तो इस तरह से दे ट्राइड टू मेक एजुकेशन एज कंट्रीसाइड एज द सेंटर बाय लार्ज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है तो फ्लरिश हुए उनकी दौर में. बड़े बड़े तालीमी इदारे कायम किए गए, बड़े बड़े मकतब, बड़े बड़े मदरसा, बहुत बड़ी बड़ी मसाजिदें, और उन मसाजिदों को लगकर मकतब और मदरसों का ख्याम अमल में आया. देन द प्रोविजन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, दैट इज प्राइमरी एजुकेशन रिलीजन ओरिएंटेड था, फिर हायर एजुकेशन के अलावा, हायर एजुकेशन में मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, ग्रामर है, पॉलिटिक्स है, ये तमाम चीजों की उन्हें तालीम दी जाती थी. आर्ट और लिटरेचर को भी अहमियत थी उस दौर में, ये तमाम चीजों को अहमियत दी गई थी. उसके बाद है नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट, यानी के कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी अहमियत दी गई थी. किस तरह से इंसान की शख्सियत में निखार लाना चाहिए, किस तरह से आपके रवैये के जरिए, आपके बिहेवियर के जरिए आप दूसरों को दूसरों के साथ अच्छा रवैया करके उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं या अपनी आखिरत संवार सकते हैं, ये तालीमात दी गई थी. उसके बाद प्यूपल टीचर रिलेशनशिप, एग्जैक्टली देखिए बुद्धिस्ट दौर में और वैदिक दौर में, अब चूंकि इट वॉज अ रेसिडेंशियल स्कूल्स, इस दौर में रेसिडेंशियल स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, इट वॉज अ डे स्कूल टाइप, सुबह से शाम तक. रेसिडेंशियल स्कूल्स भी थे लेकिन मैक्सिमम इट वॉज डे स्कूल्स, लेकिन यहाँ पे भी उस्ताद की बहुत ज्यादा अहमियत थी. इस दौर में भी उस्ताद को या मौलवी को जिनसे तालीम हासिल की जाती थी, उसी तरह जिस तरह से वैदिक दौर में और बुद्धिस्ट दौर में अहमियत दी गई थी, उस तरह से मिडिवल पीरियड में भी या दौरे वस्ता में भी उस्ताद को उतनी ही अहमियत दी गई थी. बल्कि वैदिक दौर में और बुद्धिस्ट दौर में उस्ताद बच्चों को सजा नहीं देते थे, लेकिन मिडिवल पीरियड में बच्चों को अगर सबक याद नहीं होता है तो सजा देने का भी रिवाज था, और सजा बहुत ज्यादा कड़क सजा हुआ करती थी, यानी कि मुर्गा बनाना या उल्टे हाथ पे मारना, इस तरह के जो पनिशमेंट्स है उस तरह की पनिशमेंट्स भी दी जाती थी इस दौर में. उस्ताद के लिए एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग, एक डर वाली फीलिंग, एक खौफ वाली फीलिंग स्टूडेंट्स के दिल में रहती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं. आज भी किसी एक पर्टिकुलर टीचर से जो एक पूरा पूरी क्लास डरती है, वैसा माहौल उस्ताद के लिए था, लेकिन उतनी ही रिस्पेक्ट भी थी. जितना डर था उतनी ही रिस्पेक्ट थी. देन learned teachers were invited from different countries, ईरान से, मिस्र से, तुर्की से, मुख्तलिफ ममालिक से experts teachers को बुलाया जाता था, उनको तमाम सहूलतें मुहैया करवाई जाती थी, और लोगों के तालीम के ऊपर, लोगों को education को enhance करने के लिए, education को enrichment के लिए गवर्नमेंट से स्पेशल फंड्स रिलीज किए जाते थे. देन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, हर स्टूडेंट को मुख्तलिफ वक्त दिया जाता था, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, उसको इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता था. नोबल जो सन्स या रूलर्स के जो खानदान से
जो बिलोंग करते थे बच्चे, महल के सरदारों के बच्चे, उनके वजीरों के बच्चे, तमाम लोगों को एजुकेशन कंपलसरी था। इंडिविजुअल या पर्सनल ट्यूटर्स जिसे आप कह सकते हैं, उनको सिखाने के लिए अपॉइंट किए जाते थे। उसके साथ साथ जो एजुकेशन से दूर है या जिन लोगों के लिए तालीम अफोर्डेबल नहीं है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स का ख्याम किया जाता था और उनके तमाम बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एवरीथिंग वाज बेड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। तमाम जो है तो जिम्मेदारियां हुकूमत उठाती थी तालीम की। उसके बाद मॉनिटरिंग सिस्टम था उस दौर में, जो कि आज भी हम देख रहे हैं कि बच्चे, क्लास का जो होशियार बच्चा है उसको मॉनिटर बना दिए, तो उससे बच्चों में यस सर वी हैव अ नेक्स्ट क्लास ओके टाइम नहीं है मतलब हमारे पास यस सर टाइम चलिए ठीक है नो इश्यूज विल कंटिन्यू टुमारो सर एक्स्ट्रा क्लास लीजिए ना सर एक्स्ट्रा क्लास आज ले लें तो चलेगा यस सर चलेगा यस सर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा सर सर मगरिब के बाद नो सर नो सर सर हमारे 4 बजे से उर्दू की क्लास रहती सर 9 बजे जी सर सब फ्री हो जाती रहती उर्दू क्लास आफ्टर ईशा नो सर चलेंगे यस सर आफ्टर ईशा यस सर जी सर आप बोलिए 9 बजे सर सर को बोलने दो सर को बोलने देंगे आप लोग ठीक है विल डू वन थिंग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं ये वाइंड अप हो जाएगा हमारा मिडिवल पीरियड और अभी काफी वक्त है आप लोगों के पास वी हैव नियर अबाउट एक महीना है समझ के चलिए तो इंशाल्लाह हम लोग जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे अभी फिलहाल जरूरत नहीं है ये पोर्शन हो जाएगा इसलिए बोल रहे थे आज वाला ओके सर आपको जो मुनासिब लगे सर टेंशन मत लीजिए आप ओके सर ठीक है यस ओके सर थैंक यू अल्लाह हाफिज़ सर अल्लाह हाफिज़ सर अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ सर बुक कौन सी रेफर करना बताइए ना सिलेबस में पूरे ऑथर्स के साथ मेंशन है हैव यू गॉन थ्रू योर सिलेबस सर ओल्ड पेपर्स में भी कुछ तो नहीं था सर जी जो अपने पुराने जो पेपर्स है ओल्ड पेपर्स उसमें से भी एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन वगैरह आते हैं ना उसमें बिल्कुल आ सकते हैं 17-18-19 के जो लिए तो फॉलो कीजिए ना वो भी ठीक है इंशाल्लाह चलिए शैल आई वाइंड अप द क्लास देन यस सर यस सर थैंक यू अल्लाह हाफिज़